लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। पता है कि पिछली बार भी हमने जो है वो जीआर निकाला था, जिसके ऊपर हाई कोर्ट में लगभग एक साल तक केस चली। उसके बाद जो है वो रिजल्ट आया था कोर्ट के माध्यम से, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय भी आया है माननीय सर्वोच्च न्यायालय का। दोनों को लेते हुए हमने, जिस तरह मैंने कहा कि डीएफआरसी जो डिविजनल लेवल पे है उसको बनाने का काम हमारे कार्यकाल में बीच में हुआ, जैसा मैंने कहा कि जो कानून में बदलाव करना है जो फ्री रेगुलेटरी एक्ट के अंतर्गत, क्योंकि अधिकार राज्य शासन के पास ही नहीं थे, अधिकार पूरी तरह से जो है वो ईपीटीआई को, मतलब पैरेंट और टीचर एसोसिएशन को पूरी तरह से, जो ये तय करता है कि किस तरह से फीस को आकार करना है, उसके ऊपर हम पूरी तरह से जो है वो काम कर रहे हैं। और मुझे आपको बताना होगा कि जो कायदे में अमेंडमेंट करनी है उसके लिए हमको कैबिनेट में जाना पड़ेगा, क्योंकि उसके बगैर वो कायदा अमेंडमेंट नहीं होगा, तो उसके लिए हम कैबिनेट के पास जा रहे हैं और जो कमेटी हमें रिपोर्ट दे रही है उसके ऊपर हम अनुसार। मैडम चाहूँगा।